भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में भी सबको चौंकाते हुए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों की बैठक में सागनेर से विधायक भजनलाल शर्मा को नेता के तौर पर चुना गया है। साथ ही दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को डिप्टी सीएम बनाने की घोषणा की गई है। भाजपा के वरिष्ठ विधायक वासुदेव देवनानी राजस्थान विधानसभा में स्पीकर बनेंगे। पर्यवेक्षक के तौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और राज्यसभा सांसद सरोज पांडे की मौजूदगी में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने नए सीएम और डिप्टी सीएम के नाम को सबके सामने रखा। इसके साथ ही भाजपा ने प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 की बिसात भी बिछा दी है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय जेपी नड्डा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। सम्माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे रक्षा मंत्री सम्माननीय राजनाथ सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और हमारे पर्यवेक्षक महामंत्री हमारे सम्माननीय विनोद तावड़े जी, उपाध्यक्ष हमारी बहन सरोज जी, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और जिन्होंने नाम का प्रस्ताव किया हमारी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे जी का भी धन्यवाद देता हूं। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का भी मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे प्रभारी माननीय अरुण सिंह जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे चुनाव के प्रभारी माननीय प्रहलाद जोशी जी, बहन विजय राठकर जी, हमारे संगठन के महामंत्री माननीय चंद्रशेखर जी और मैं, मेरे साथ उप मुख्यमंत्री बहन दिया जी और प्रेमचंद जी वैरवा जी को भी धन्यवाद।